दोस्तों आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि फेसबुक जो है वो 6 घंटों के लिए बंद हो गया था। इवन फेसबुक ही नहीं, फेसबुक के जितने भी सर्विसेज है पावर्ड बाई फेसबुक, जैसे फेसबुक हो गया, उसका मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप। आपको बता दें कि व्हाट्सएप को मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन में ख़रीदा था, तो व्हाट्सएप भी उसी का है। इंस्टाग्राम, तो फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक के जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे के सारे 6 घंटों के लिए बंद हो गया था, जिससे मार्क जुकरबर्ग को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। स्टार्टिंग में मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है कि चाइनीज़ हैकर्स या जापानीज़ हैकर्स फेसबुक पे अटैक किए हों, बट यहाँ मुद्दा है कि फेसबुक के सारे सर्विसेज बंद हो गए थे, यानी फेसबुक के जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब बंद हो गए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई हैकर अटैक करेगा तो कोई एक चीज़ पे अटैक करेगा, एक साथ 6 घंटों के लिए सारी चीज़ें कैसे बंद हो सकती है? क्या कोई पूरी कंट्री भरा हुआ था क्या फेसबुक पे? और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे थे कि यार मेरा व्हाट्सएप जो है मैं उसे रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा था, वो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा था। और मेरा एक और दोस्त है वो ये कह रहा था कि यार तूने मेरा व्हाट्सएप तो हैक नहीं कर लिया है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाया उसे मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डिलीट ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला क्या मजाक है यार, तो वो उधर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा, तो मैंने देखा कि सच में स्टेटस जो है वो डिलीट ही नहीं हो रहा था, उसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि फेसबुक जो है, फेसबुक की जितनी भी सर्विसेज है वो 6 घंटों के लिए बंद हुआ था, उसके कई घंटों बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस डिलीट कर रहा था तो वो आसानी से डिलीट हो जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट नहीं हो रहा था, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों कि एक का डिलीट हो रहा है और एक का डिलीट नहीं हो रहा है? लेकिन कुछ घंटों के बाद, यानी लगभग 3-5 घंटों के बाद फिर वो ठीक हो गया अपने आप, मतलब ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, मतलब फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। खैर मार्क जुकरबर्ग जो है वो अपनी सफाई में क्या लिखते हैं और फेसबुक पे मैंने देखा था, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर अब ऑनलाइन वापस आ रहे हैं। आज के व्यवधान के लिए क्षमा करें। मुझे पता है कि आप उन लोगों से जुड़े रहने के लिए हमारी सेवाओं पर कितना भरोसा करते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि 6 घंटों के लिए क्यों बंद किया गया। बाद में उन्होंने बताया कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे थे जिसकी वजह से ये आउटेज देखने को मिली है। मतलब ये कि वो इंटरनली कुछ कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे थे जिसकी वजह से 6 घंटे के लिए फेसबुक की जितनी भी सर्विसेज, जैसे मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे सर्विसेज जो है वो बंद हो गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब फेसबुक एक्सपोज हुआ उसके बाद ये 6 घंटे के लिए बंद हुए थे। आपको बता दें कि फेसबुक के एक्स एम्प्लॉय जिनका नाम है फ्रांसिस हाउशन, उनकी उम्र 37 ईयर्स ओल्ड है, वो एक डेटा साइंटिस्ट है, वो फेसबुक में काम कर चुकी है। उन्होंने बताया कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उन्हें पैसे चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि वॉयलेंस, दंगे वाली वीडियो, पॉलिटिशियन पार्टी को सपोर्ट करना, लोगों को डिप्रेस करना उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ पे, तरह तरह के ड्रेसेस पहनती हैं, नए नए फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन, आपने देखा होगा कि मिरर के सामने आईफोन का लोगो दिखा के सेल्फी लेना, नए नए ट्रेंड्स दिखाना। तो क्या है कि आम लोगों के घर पे जो भी टीनेजर्स होते हैं वो लोग भी घर पे पैसे की डिमांड करते हैं कि मुझे भी नए नए ड्रेसेस चाहिए, मुझे भी फैशन करना है, मुझे भी आईफोन चाहिए, आईफोन के लिए भी पैसे मांगते हैं। तो इस वजह से घर में भी प्रॉब्लम आती है और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग आईफोन कैसे यूज़ करेंगे, आईफोन तो काफ़ी महंगा आता है और नए नए ड्रेसेस कहाँ से दिलाएंगे। तो इसी वजह से भी लोग डिप्रेस में, जिसको मिल जाता है तो वो ठीक है और जिसको नहीं मिलता वो परेशान होती रहती है कि काश मेरे पास ऐसा होता, वो मतलब इसी के बारे में सोच के वो डिप्रेस हो रही होती है। और बात रही वायलेंस की, तो वायलेंस जो है इस चीज़ को बढ़ावा देना मेरे ख्याल से सही नहीं है, और पॉलिटिशियन पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया है। मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने बोला कि मेरा फेसबुक पे आईडी बना दो, मैंने उनका आईडी बना के दे दिया, और फिर वो पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे थे उनके हिसाब से जो सही लग रहा था, है ना, तो बहुत सारे पोस्ट कर रहे थे तो उनका आईडी बैन कर दिया गया, तो फिर मैं कैसे भी करके उनके आईडी को रिकवर करके दे दिया। लेकिन बार बार बैन होने लगा तो फिर उन्होंने बोला कि 3-4 आईडी बना दो ताकि एक बैन होगा तो फिर दूसरा यूज़ कर पाएँ, दूसरा बैन होगा तो तीसरा, तो उनका लगभग 3-4 आईडी मैंने बना के दिया था और कितनी दफ़ा मैंने रिकवरी भी करके दिया था। लेकिन अब क्या है कि फेसबुक के जो इंजीनियर्स हैं जो मिले हैं पॉलिटिशियंस पार्टी से,
तो पता नहीं वो लोग साइबर सेल वालों से मिले हैं कि क्या है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मिले हैं तभी तो उनका आईडी बार बार बैन हो जा रहा है। हालांकि कितने दफ़ा मैंने अनबैन किया था, कितने दफ़ा आईडी मैंने रिकवर करके दिया था, लेकिन अब क्या है कि उनके सारे आईडी बंद है, सिर्फ एक आईडी चालू है, फिर भी बार बार उन पे ये मैसेज फ्लैश होता है कि आप ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंस बढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं करते वो। मतलब आईडी बंद करने की धमकी मिल रही थी, मैंने हर एक पोस्ट को पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे किसी का नुकसान हो, एकदम फैक्ट बात लिखा था। हाँ, जो फैक्ट बात होती है किसी को कड़वी लगती है, राइट। तो जो पॉलिटिशियन पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्हें शायद ख़राब लगा हो, तो वो क्या है कि आईटी सेल वालों से मिले होते हैं, तो वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये आईडी है ना, उसको बैन करो। तब फिर वो उधर से मैसेज करते हैं कि भाई आपका आईडी बंद हो जाएगा अगर आप फिर से ऐसे पोस्ट करेंगे तो, जबकि वायलेंस वाली पोस्ट नहीं होती है, एकदम सही जानकारी होती है। फिर भी आप खुद ही सोचिए ना कि फेसबुक कंपनी को हैंडल करने के लिए कुछ गिने चुने लोग होने चाहिए, वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन साइकेस्ट्रिक, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की क्या ज़रूरत है, वो दिमाग के साथ खेलते हैं। साइकेस्ट्रिक को हर एक चीज़ पता होता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि वायलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है फेसबुक पे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कितनी आईडी बंद हुई है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।